दोस्तों, यूपी में पेपर लीक की समस्या अब आम हो गई है और इसी क्रम में यूपी पुलिस दोनों शिफ्टों की पेपर पूरी तरह वायरल हो गई थी। बच्चों को एग्जाम से पहले ही उसका आंसर मिल गया था। कई टीचरों ने तो इसे बहुत ही पहले टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर 16 तारीख से ही वायरल हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस तथ्य को देखिए। इस पीडीएफ पे जो क्रम है वो 16/2/2024 का है। दोस्तों, इससे पहले 17 तारीख के शिफ्ट का भी पेपर लीक हुआ था जिसे सरकार ने झूठा और एडिटेड बताया, लेकिन जब 18 के दूसरे शिफ्ट का पेपर लीक हुआ फिर सरकार चुप क्यों हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मीडिया हाउस इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि इतनी बड़ी खबर को कोई भी कवर करना नहीं चाहता। दोस्तों, मीडिया हाउस का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि उन्हें ये सारी खबरें लगती है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मारियो का किरदार आपके लिए निभा रही है। द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की, ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं वो तो अभी तेज उठ रही हैं, लेकिन कल और तेजी के साथ ये समंदर की लहरें उठेंगे। उससे दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। आज इस स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। India Today is back with the most comprehensive coverage. जबकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि 43 लाख युवाओं ने इस भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन कोई भी मीडिया हाउस इसे न्यूज नहीं बता रहा है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक ट्वीट किया, लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आप सोचिए कि 43 लाख युवा ने 60,244 पदों के लिए आवेदन किया था, और उसमें से हम मान लेते हैं कि 25% युवा जो दिनों रात मेहनत करके 5 साल से पढ़ाई कर रहे थे, उनकी दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि पेपर पूरी तरह से लीक हो गया था। दोस्तों, 18 वाले शिफ्ट का पेपर अरुण सर के, जो कि रीजनिंग के बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने टेलीग्राम पे शेयर किया और बताया कि एक बच्चे ने उन्हें शेयर किया था और बताया था कि सर देखिए ये पहले से ही वायरल हो रहा है। अरुण सर ने इस जानकारी को सबके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि बाद में सरकार को यह न लगे कि ये सारी खबरें झूठी हैं। और जब पेपर सेम वही आया, उसके बाद सारे टीचरों ने मिलकर यूट्यूब पे लाइव आया और ट्विटर पे यूपी पुलिस एग्जाम को ट्रेंड करा दिया। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार क्या इस बात को मानने को तैयार होती है कि पेपर लीक हुआ है, या फिर इसे नजरअंदाज कर देती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।